छोटी मोटी भूख के लिए चलिए आज बनाते हैं आलू चीज़ सैंडविच, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसके लिए आपको कोई भी बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसे सीधे तवे पर ही बनाएंगे। आलू चीज़ सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने पहले से ही आलू उबाल के रखे हैं। अब इन उबले हुए आलूओं को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू अब अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इन आलूओं में हम कटी हुई हरी प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसमें हम पिसा हुआ भुना हुआ जीरा भी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च भी स्वाद अनुसार डालेंगे और दोबारा से इन सब मसालों के साथ आलू को मैश कर लेंगे। इससे मसाले और आलू अच्छी तरह से आपस में घुल मिल जाते हैं। एक बार फिर से इसको मिक्स करेंगे। आलू चीज़ सैंडविच का मसाला अब हमारा तैयार हो चुका है। एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उस पर एक चीज़ स्लाइस रखेंगे। फिर ये बना हुआ मसाला ऊपर से लगाएंगे। एक और चीज़ स्लाइस से कवर करेंगे। फिर एक ब्रेड स्लाइस और ऊपर से लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी के सारे सैंडविच भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम आंच पर तवा रखेंगे, गरम करेंगे, बटर डालकर सैंडविच को सेकेंगे। सैंडविच को दूसरी तरफ से सेकने के लिए सैंडविच के ऊपर फिर से बटर लगाएंगे और दोनों तरफ से सैंडविच को सेक लेंगे। सैंडविच को सुनहरा होने तक सेकें और उसके बाद आंच पर से उतार लें। हमारा पहला सैंडविच सेककर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के सारे सैंडविच भी सेककर तैयार कर लेंगे। देखा आपने, ये सैंडविच बनाने में कितने ही आसान हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। सिके हुए सैंडविचेस को आप अपनी मनपसंद आकार में काट लें और चाय के साथ गर्म गर्म सर्व करें। आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो
तो इस रेसिपी को लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। विप्स किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली नई रेसिपीज की जानकारी तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।